अमेरिकन आर्मी छोड़ के चली गई थी, वो अब पेशावर से, पेशावर के रास्ते से लाहौर में आ चुका। कोई बदतमीजी करता है, लड़ाई करता है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, इसका कोई निशान भी नहीं है और इसमें छोटा सा नाइफ भी है। वो वैसे मूवीज में देखा होता है। ये देखें, ये फायर स्टार्टर आग लगाने के लिए, ठीक हो गया। और दूसरा ये विसल है, ये विसल वाह, भी आ गया, इसमें ये कुल्हाड़ी भी है, जितना मर्जी इसको खोलें, जितनी ज़रूरत है उतना खोलें, 15 फुट तक ये खुल जाता है। ठीक है। इसका स्टेप भी बड़ा छोटा हो सकता है ना। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं अमरीकियों का माले गनीमत, वो सामान जो अमरीकी फौजी जो है अफगानिस्तान में छोड़ गए थे, वो पेशावर के रास्ते लाहौर में आ चुका हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि हमें कौन कौन से गैजेट्स मिलने वाले हैं। जी फ्रेंड्स, तो अभी मेरे साथ अब्दुल रहमान भाई हैं, हम खान इलेक्ट्रॉनिक्स पे मौजूद हैं, जो कि नियर अल्लाहू चौक पे है। इनकी लाहौर में सिर्फ 2 ब्रांचेज हैं, तो आज हम इसकी अल्लाहू चौक वाली ब्रांच पे मौजूद हैं। तो अब्दुल रहमान भाई से पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन सी वैरायटी है और वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है और उसकी क्वालिटी किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जसूसी आलात में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। जसूसी आलात में बहुत कुछ है, इसका नाम ही जासूसी आला, उसमें मैं क्या क्या बताऊँ आपको। मतलब खुफिया आते हैं, खुफिया कैमरेज हैं हमारे पास। अच्छा, बग डिवाइसेस हैं, इस तरह आते हैं। अब घरेलू इस्तेमाल के लिए जो चीजें हैं, जो आज हर कॉमन बंदे को भी चाहिए वो घरेलू यूज के लिए, वो उसमें आपके पास क्या वैरायटी पड़ी हुई है। इसी में खुफिया कैमरे आते हैं, सर अपने मुलाजमीन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अब निगरानी करने के लिए लगाना चाहते हैं तो उसमें आते हैं बड़े अच्छे अच्छे हमारे पास खुफिया कैमरे। अच्छा, कुछ दिखा सकते हैं हमें। वो उसमें जिसका नाम ही खुफिया तो उसको दिखाना है क्या। अच्छा, वो फिर सबको पता चल जाएगा कि भाई ये तो आपकी वीडियो देख के फिर सारा हर बंदा कहेगा ये तो मैंने देखा होगा। इधर मैंने एक देखा है, ये बीवी के शोर से बचने वाला आलात, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि घर पे अक्सर हस्बैंड जो है वो बहुत अनोइंग फील करते हैं जब उनकी मिसेज जो है वो शाउट कर रही होती है या कुछ बोल रहे होते, तो उनके पास बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है। ये किस तरह से ये इस्तेमाल होगा। ये बेसिकली है साउंड गार्ड, एयर प्लग। ठीक है, किसी भी किस्म का शोर, सफ़र के लिए आप जाते हैं अपने दोस्तों के साथ कहीं टूर पे जाते हैं, कोई खराटे लेता है, किसी किस्म का भी शोर हो, आप आराम करना चाहते हैं, ये बस एक कान में लगाएं, इजीली आप सो सकते हैं अपना, या स्टडी करना चाहते हैं, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है ये छोटा सा वो साउंड गार्ड एयर प्लग। और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है इसके ऊपर कि वो काफ़ी आई कैचिंग था ये। और आपके पास ये ग्लासेस वगैरह सारी अमेरिकन आर्मी की ही हैं। सारे उधर से आते हैं, ब्रांड है ग्लासेस में, वो तो उधर मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो है ना सेल्फ डिफेंस आइटम हमारे पास हैं, जो लेडीज़ के लिए अपने गाड़ी में रखने के लिए बहुत ही एंटीक चीज़, ये स्टन गन है, करंट देने वाला दिफाई आला, अपनी दिफा के लिए, ये लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हमने सेल किया, लेडीज़ वाले लेके जाते हैं, स्कूल वाले लेके जाते हैं बच्चों के लिए, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। छोटा सा साइज़ इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है। जी, इलेक्ट्रिक शॉक है, इसमें मुख्तलिफ साइजेज होते हैं, 500 के वोल्ट का ये डीसी के वोल्ट है ना। अच्छा, ये गाड़ी में रखने के लिए, कोई बदतमीजी करता है, लड़ाई करता है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, इसका कोई निशान भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, बाकी अगले को बहुत ज्यादा सबक मिल जाता है कि दोबारा ये काम नहीं करना, दोबारा ये काम नहीं करना। अच्छा, इसमें ये क्या चीज है। ये स्लिंग शॉट है, गुलेल जिसे कहते हैं। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ किस्म की गुलेल है। और ये सब अमेरिकन का है, ये साथ में ही आप देख सकते हैं कि ये IX है, ये कुल्हाड़ी जिसे कहते हैं। वाह, ये जर्बर कंपनी का बहुत ही अच्छा ब्रांड है, सारे ब्रांड है। ये जिस तरह एक सर्वाइवल कुल्हाड़ी है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं ना। ये देखें, ये फायर स्टार्टर आग लगाने के लिए, ठीक हो गया। और दूसरा ये विसल है, ये विसल भी आ गया, इसमें ये कुल्हाड़ी भी है, और इधर से डोरी या सीट बेल्ट वगैरह काटने के लिए, और इसमें ये इधर नाइफ भी आ जाता है, चाकू अपना सब्जी वगैरह फ्रूट शूट काटने के लिए। सफर, ये काफी शार्प है, सफर के लिए बहुत अच्छी चीज है। मतलब ये वैसे अगर कोई हाइकिंग वगैरह के लिए जा रहा है तो उसके लिए ये जरूरी हो सकता है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, कहीं भी काम आ सकती है। और आपके पास ग्लासेस और वॉचेस वगैरह भी पड़ी हुई है, सब कुछ है। ये सब का सब जो
अमेरिकन मिलिट्री वाले वो छोड़ के गए, वो है अफगानिस्तान से सारा आया। ठीक, अच्छा इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई सामान जो है आपका शॉर्ट हो जाए, मतलब अगर कोई चीज़ कस्टमर को पसंद आती है वो बाय कर ले तो उसके बाद ऐसा तो नहीं कि आपके पास ये चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाए, कि स्टॉक में आपके पास मौजूद रहती है? स्टॉक में फिलहाल तो है, ख़त्म भी हो जाती है कमी है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जो दोबारा नहीं भी आती। असल में आता सारा लॉट का सामान आता है अफगानिस्तान से। ठीक हो गया, तो ये चीज़ वो ख़त्म नहीं होती जो आप फैक्ट्री से या किसी कंपनी से खरीदते हैं, ये तो वो बस उधर से आता सारा अफगानिस्तान, जो आ गया मिल गया बस ले। नाइफ्स हैं क्या ये? ये तो वैसे वो स्टिक्स हैं, इसमें वो मार्क और बना हुआ है। ये तो हमारा आर्मी का ISI का ये सिग्नेचर है, और इसमें छोटा सा नाइफ भी है। वो वैसे मूवीज में देखा होता है, और ये काफी मजबूत है और काफी शार्प भी है। ये एक स्टाइल का स्टाइल हो गया, और एक आपको नाइफ जो है वो भी इसके साथ मिलेगी। और अगर किसी को खाली ये वाला इसका चाहिए, इसका वो ऊपर बड़ा हुआ है स्नेक ईटर। गाइस ये मेरे पीछे आर्चरी पड़ी हुई है, इसमें डिफरेंट डिज़ाइन भी है और मटेरियल का भी फ़र्क है, और ये आप बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए ये काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसमें कौन कौन सी क्वालिटी और क्या इसमें ब्रांड का भी? बड़ी वैरायटी अवेलेबल है इसमें, सारी क्वालिटी अवेलेबल है इसमें। ये छोटा बड़ा साइज बड़ों के लिए, पूरा शिकार के लिए, पूरा वो क्लब में इस्तेमाल करते हैं, सारे मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ कितने एरोस मिलते हैं इसके साथ? वो एरोस उसके साथ तो कोई नहीं होता, सेपरेट ही होते हैं एरोस। अच्छा, वो सेपरेट बाय करना पड़ेगा पर पीस जो है एरो का। बाद में यहाँ पे ये डर्ट बोर्ड भी पड़ा होगा, ये देखें, ये इस तरह के जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें आपको अपने बच्चों को उनकी तरफ लेके आना चाहिए, बजाय कि वो सारा सारा दिन गेम्स की तरफ लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं और अपनी आईसाइट भी वीक करते हैं, और अब स्पोर्ट्स की तरफ आए और थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह भी करें। गाइस अभी ये फोल्डिंग चेयर्स है, मतलब सफ़र के लिए, ट्रैवलिंग के लिए अगर कोई जा रहा है, तो अगर कोई फ़िशिंग करने भी जा रहा है तो वो उनके लिए ये कारामद चीज़ हो सकती है। इसमें डिफरेंट साइज़ हैं, और ये सब के सब आर्मी का है, जो अफ़गानिस्तान में अमेरिकन आर्मी छोड़ कर चली गई थी वो अब पेशावर के रास्ते से लाहौर में आ चुका होगा, और इनके पास है, और जो चीज़ इनके पास है वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, ये सारी की सारी अमेरिकन की छोड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इसमें डिफरेंट साइजेज हैं, बिल्कुल बैठने के लिए आप बैठ भी सकते हैं, इसीलिए बैठे हैं आप, और फोल्ड भी कर सकते हैं। फिशिंग के लिए भी अच्छी हो सकती है, और ये आप वैसे भी अगर आप कहीं बाहर जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए ये तो इसीलिए फोल्ड करके कैरी कर सकते हैं। वाओ, जहाँ मर्जी आप ले जा सकते हैं। ये तो बस थोड़ी सी स्पेस ही कैरी करेगा जी, बिल्कुल। इसमें क्या एक कपड़े वाली क्वालिटी और दूसरी लेदर वाली क्वालिटी? लेदर भी है, लेदर वाला भी है, ये लेदर वाला। ओके, इसमें आप पिस्टल वगैरह कैरी कर सकते हैं, नाइफ वगैरह हो सकती है, ये एल्युमिनियम की फोल्डिंग लेटर। अच्छा, ये कितने फीट की है? ये है 15 फुट की, फोल्ड हो गई, ये हो जाएगा। गाइस बहुत अच्छी चीज है, ये एल्युमिनियम की है और साथ में रबर है, काफी फाइन क्वालिटी। ये ऐसे भरी तरह एक एक स्टेप खुलता जाएगा। ठीक है, जितना मर्जी इसको खोलें, जितनी जरूरत है उतना खोलें, 15 फुट तक ये खुल जाता। ठीक है, इसका स्टेप भी बड़ा छोटा हो सकता है ना? स्टेप एक जैसा ही रहता है, खुलेगा एक जैसा, मतलब ये तो इतना ये बंद हो जाएगा ना। अच्छा, ये बंद होने के लिए है। ठीक है, और ये 15 फुट की है? ये 15 फुट की है, 15 फुट तक जितना मर्जी खोल सकते हैं आप। इसका मैं वेट जरा देखो, इसमें ये डबल वाला भी गाइस काफी अच्छा खासा वेट है, और ये डबल वाली, ये इसको सिंगल भी कर सके, इसके ऊपर खड़ा होके पंखा वगैरह चेंज करना है, अलमारी के ऊपर चढ़ना है, गैलरी के ऊपर चढ़ना है, उसके लिए इसको सिंगल करें तो ये 10 फुट हो जाता है, वैसे से डबल में 5 फुट। अच्छा, ये ऐसे करके सिंगल भी हो जाती है, सीढ़ियों वगैरह पे भी लग जाती है, एक स्टेप बंद करके सीढ़ियों पे रखें, दो स्टेप बंद करके सीढ़ियों पे रखें, इस तरह ये बॉक्स पड़ा इसके ऊपर रख के मैं उधर काम करने जाता हूँ, एक स्टेप नीचे हो, एक फोल्ड करके उसके ऊपर हो, बहुत सारे इसमें। मेन तो यही रहता ना कि घरों में ये बहुत जरूरी होता है कि पंखे साफ करने होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि ये कैसे साफ करने हैं, तो ये एक अच्छी क्वालिटी में आपको एक लैडर जो है वो मिल जाएगी, और ये आप जिस मतलब हाइट पर रखना चाहते हैं वो हो सकती है। ये भी आपकी इमरजेंसी में गाड़ी रास्ते में खड़ी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, मोटरवे पे जा रहे हैं, तो ये अपने लगा लें अपनी सेफ्टी के लिए,
ये रिफ्लेक्टर है।